करेगा। हाँ तो मैं कह रही हूँ गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, तूने सुना क्यों नहीं? पहले रैप कराई मैंने बीबी की से। चुप कर, बात कर रही है तेरे से, कभी किसी और को क्यों नहीं बोलने देता है तू यार? चुप कर। तो फाइनली दोस्तों करण जौहर की एक नई मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉकी एंड रानी की। इस फिल्म की ओवरऑल कहानी की बात करें तो इसमें दो अलग अलग फैमिलीज होती है। एक रंधावा फैमिली जो बेसिकली पंजाबी फैमिली होगी और दूसरी है चैत्री जी फैमिली जो ओबसली बंगाली फैमिली होगी। और इनके बीच में रणबीर और आलिया की वजह से आई मीन रॉकी और रानी की वजह से होने वाला है रिश्ता, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ये लोग एक दूसरे के फैमिली के बारे में जानने के लिए अपनी अपनी फैमिली को छोड़कर 3 महीने के लिए एक दूसरे के फैमिली के साथ रहेंगे। इस फिल्म में मेन हीरो हीरोइन रणबीर आलिया कम बट इन दोनों की फैमिली होगी, क्योंकि इन दोनों के रिश्ता हो गया नहीं, इन दोनों के फैमिली के हाथों में होगा। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक बात और लगा कि यह फिल्म 2 स्टेज की कॉपी लग रही है, क्योंकि इसमें भी वही 2 परिवार डिफरेंट कल्चर के होते हैं। बट लड़का लड़की की लव स्टोरी को चाहिए फैमिली की ब्लेसिंग और परमिशन। फिर होता है ट्विस्ट की लड़की लड़कों वालों के पास आकर रहेगी और लड़का लड़की वालों को शादी के लिए मनाएगा। इस फिल्म पर पब्लिक का एक ही क्वेश्चन है कि इन दोनों फिल्मों में डिफरेंट क्या है। देखो भाई, इस फिल्म के डायरेक्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि आप ट्रेलर में ऑलरेडी सब कुछ दिखाई दिए हैं तो थिएटर में जाकर करेंगे क्या? फिल्म पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो चुकी है और पब्लिक यही बोल रही है इस फिल्म के मेकर्स को कि इतना ज्यादा रिवील कौन करता है भाई।